चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग 26 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। आपका अंतिम चैप्टर 26वां कौन था? प्रमुख व्यक्तित्व, जो भी मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति थे उनके बारे में हम लोगों ने जान लिया था। आज बात करेंगे हम लोग पर्यटन एवं पुरातात्विक स्थलों के बारे में, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। ठीक है, याद रखिए आपके जितने भी चैप्टर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित हैं वो सभी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची है उसी में मिल जाएंगे। ठीक है, एक ही जगह पर्यटन एवं पुरातात्विक तात्विक स्थल। सबसे पहले बात करते हैं किलों के बारे में, मध्य प्रदेश के जो किले हैं उनके बारे में। किलों में बात करते हैं ग्वालियर का किला। कौन सा? ग्वालियर का किला, इसे किलों का रतन कहते हैं, पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं, किलों का सिरमौर कहते हैं, भारत के समस्त दुर्गों के कंठहार में पंडित मणि भी कहा जाता। याद रखिए, पूछ लेता है ग्वालियर के किले को क्या कहते हैं, अन्य नाम क्या है, तो किलों का रतन, पूर्व का जिब्राल्टर, किलों का सिरमौर, भारत के समस्त दुर्गों के कंठहार में पंडित मणि भी कहा जाता है। इसका निर्माण कछवाहा वाहा बंसी राजा सूरसेन ने 525 में ईस्वी में कराया था। किसने करवाया? सूरसेन ने 525 ईस्वी में। ग्वालियर के किले के पांच द्वार हैं, आगलगिरी या जैसे आलमगिरी कहते हैं, हिंडोला, गुजरी महल, चतुर्भुज मंदिर दरवाजा, हाथीपोड़ दरवाजा। ग्वालियर के किले में निम्न इमारतें महत्वपूर्ण हैं, आपका मान मंदिर, गुजरी महल, तेली का मंदिर, हाथी की विशाल प्रतिमा तोमर नरेश मानसिंह द्वारा निर्माण कराया गया, बादल महल, हिंडोला महल, चतुर्भुज मंदिर। ये आपके ग्वालियर के किले में निम्न इमारतें महत्वपूर्ण हैं। तेली का मंदिर उत्तर भारत में एकमात्र द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर है। इस पॉइंट को याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। तेली का मंदिर, तेली का मंदिर उत्तर भारत में एकमात्र द्रविड़ शैली का से बना मंदिर है। सास बहु सहस्त्रबाहू का मंदिर 11वीं सदी में राजा महिपाल द्वारा 1093 में निर्मित हुआ। इसमें भगवान सहस्त्रबाहू की मूर्ति थी, विष्णु की मूर्ति। इस किले के तलहटी में 15वीं शताब्दी के राजा डोंगर सिंह द्वारा बनवाए गए जैन मंदिर हैं, जिसमें सर्वाधिक ऊंची प्रतिमा जैन तीर्थकर आदिनाथ जी की है। इसी किले में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा दाताबंदी छोड़ है। ठीक है, फिर आता है आपका धार का किला। पता है इस चैप्टर से एक दो क्वेश्चन हर बार आपके आते रहते हैं, मध्य प्रदेश में कौन कोई भी आपका एग्जाम हो उसमें आते रहते हैं। इस किले का पुनर्निर्माण 1344 में मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण विजय के दौरान देवगिरी जाते समय करवाया था। इस किले के अंदर देवी कालका मंदिर का निर्माण परमार नरेश मुंज ने करवाया था। इस किले में पेशवा बाजीराव का जन्म हुआ था। पेशवा बाजीराव का जन्म किसमें हुआ? धार के किले में। 1732 में मराठाओं ने इसे अपने अधिकार में ले लिया। इस किले में खरबूजा खरवाड़ा महल स्थित है। अब्दुल शाह चंगल का मकबरा भी इस किले में स्थित है। फिर बात करते हैं हम लोग असीरगढ़ के किले के बारे में। कौन सा? असीरगढ़ का किला, ये आपका बुरहानपुर जिले में अवस्थित है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में अहीर राजा असाने ने करवाया था। इसको दक्षिण भारत दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं तथा बुरहानपुर दर्रा भी कहा जाता है। शिव मंदिर एवं आशा देवी की प्रतिमा इसी किले में स्थित है। आपकी मुमताज महल की मृत्यु इसी किले में हुई थी। मुमताज महल की मृत्यु इसी किले में हुई थी। इस किले के दरवाजे को अकबर ने सोने की चाबियों से खोला था। इसे 250 मीटर ऊंची दीवारों वाला दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका चंदेरी का किला। कौन
कौन सा? चंदेरी का किला, मुगावली, अशोक नगर में अवस्थित। चंदेरी के किले का निर्माण पीतिहार वंश राजा कीर्तिपाल ने 11वीं सदी में कराया था। यह बेतवा नदी के किनारे स्थित है। चंदेरी के किले में निम्न मशहूर इमारतें: हवा महल, जौहर कुंड, नौखंडा महल और खूनी दरवाजा। जौहर कुंड 1528 में बाबर के आक्रमण के समय 800 राजपूत रानियों ने प्रज्वलित अग्नि में प्राण त्याग दिए थे। इस समय यहाँ का शासक मेदिनी राय था। ठीक है, अगला है हमारा बांधवगढ़ का किला। कौन सा? बांधवगढ़ का किला। बांधवगढ़ का किला आपका उमरिया में है, उमरिया जिले में है। ठीक है, उमरिया जिले में 14वीं शताब्दी में बघेलखंड के राजा मृग देव द्वारा निर्मित कराए गए। यहाँ शेरशाह शाही तालाब व विष्णु मंदिर अवस्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क में अवस्थित है। यह किला विंध्याचल पर्वतमाला पर 900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 16वीं शताब्दी में बघेलखंड के राजा विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बांधवगढ़ से रीवा स्थानांतरित की थी। कहा जाता है कि बांधवगढ़ के 2800 फीट ऊंचे पर्वत पर स्थित इस प्राकृतिक किले को भगवान श्री राम ने लंका विजय के बाद अपने भ्राता लक्ष्मण को भेंट स्वरूप देकर लंका पर निगाह रखने को कहा था। बांधवगढ़ के दुर्ग में चमत्कारी योगी की समाधि तथा क्षीर सागर कुंड स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग अजयगढ़ का किला। ये आपका पन्ना जिले में है। अजयगढ़ का किला कहाँ है? पन्ना जिले में। इस किले के निर्माण राजा अजयपाल ने कराया था। यह किला बारीक पत्थरों की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। इस किले में राजा अमन का महल स्थित है। ठीक है, ओरछा का किला, यहाँ याद रखिए, अब टीकमगढ़ जिले में पहले अवस्थित था, लेकिन जब से आपका निवाड़ी जिला बना हुआ है तो ओरछा जो तहसील है आपकी, ये आपकी निवाड़ी जिले में आने लगी है। तो अब कोई भी ओरछा में जो भी है वो सभी निवाड़ी जिले में आ गया है। ठीक है, ओरछा के किले का निर्माण बुंदेलवंशी राजा वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था। यह दुर्ग बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इस दुर्ग में निम्न मंदिर हैं: चतुर्भुज मंदिर, रामलला मंदिर एवं लक्ष्मी नारायण मंदिर। जहांगीर महल का निर्माण वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था। ठीक है, फिर हमारा मंदसौर का महल, मंदसौर का किला। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। यहाँ पर 500 वर्ष पुराना तापेश्वर मंदिर स्थित है। कहाँ? मंदसौर के किले के पास। इस किले में 12 दरवाजे हैं, जिसमें भाई दरवाजा, खानपुर, महादेव घाट दरवाजा, मंडी दरवाजा प्रमुख हैं। फिर आते हैं हम लोग नरवर का किला, शिवपुरी जिले में अवस्थित है। इस किले का निर्माण राजा नल ने कराया था। यह किला राजा नल एवं दमयंती के प्रणय कथा के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र कछवाहा है, तोमर और जयपुर के राजघराने के लिए भी प्रसिद्ध है। फिर आते हैं हम लोग मकड़ाई का किला। हरदा जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। मकड़ाई राज परिवार के राजा मकरंद शाह ने पिंडारियों के हमलों के बचाव से के लिए इस किले का निर्माण कराया था। किले के समीप ही जादूगर मालन का महल भी स्थित है। फिर आपका सबलगढ़ का किला। मुरैना जिले के सबलगढ़ तहसील में स्थित इस किले का निर्माण करौली के यदुवंशी राजा गोपी सिंह ने 18वीं शताब्दी के पूर्वाध में कराया था। 4 प्रवेश द्वार वाले इस किले के अंदर राजा नवल सिंह की हवेली स्थापित है। फिर है आपका मंडला का किला। यह आपका मंडला जिले में अवस्थित है। यह दुर्ग बंजर एवं नर्मदा नदी के संगम पर अवस्थित है। इसका निर्माण गौंड नरेंद्र साय ने करवाया था। मंडला जिले में राजेश्वरी भवन का निर्माण निजाम साय ने करवाया था। गिन्नौरगढ़ का किला रायसेन जिले में अवस्थित है। इस दुर्ग का निर्माण
13वीं शताब्दी में महाराजा उदय वर्मन ने असरपी पहाड़ी पर करवाया था। यह क्षेत्र सुक क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में तोते बहुतायत में पाए जाते हैं, इसलिए इसे तोतों का किला भी कहते हैं। किसे? गिन्नौरगढ़ के किले को। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग रायसेन का किला। इस दुर्ग का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा राज बसंती ने करवाया था। इस दुर्ग में निम्नलिखित इमारतें हैं: बादल महल, राजा रोहित महल, इत्तेदार महल। इस किले में 4 तालाब हैं जिनमें शेषग्राही तालाब अत्यंत प्रसिद्ध है। तालाब के किनारे लक्ष्मी नारायण मंदिर भी आपका स्थित है रायसेन के किले के। आगे बात करते हैं हम लोग इसमें ये तथ्य, कुछ इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। राज मंदिर का निर्माण राजा सिंह जो देव ने करवाया था, जो खंडहर के रूप में ओरछा दुर्ग के निकट स्थित है। मुरैना जिले की आसन नदी के किनारे स्थित कुतवार का पुराना किला, जिसका निर्माण 18वीं सदी में गोहद के साथ जाट राजा राणा छत्रपति ने करवाया था। मंदसौर किले में नावली कस्बे के समीप स्थित हिंगल लाजगढ़ का दुर्ग तथा नर्मदा किनारे स्थित महेश्वर दुर्ग भी मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंग हैं। राजगढ़ में अवस्थित नरसिंहगढ़ के किले को कश्मीर ए मालवा भी कहते हैं। पूछ लेगा आपसे नरसिंहगढ़ के किले को क्या कहते हैं? कश्मीर ए मालवा कहते हैं, याद रखना। राजगढ़ में स्थित है। धार जिले में अवस्थित 16वीं सदी में निर्मित मांडू के दुर्ग का निर्माण बाज बहादुर ने करवाया था। दतिया के किले का निर्माण बीर सिंह देव ने करवाया था। इस किले के द्वार पर भवानी सिंह ने जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन लिखवाया था। किसने? भवानी सिंह ने। कन्हरगढ़ का किला दतिया सिंध नदी के तट पर अवस्थित है। अटेर का किला व गोहद का किला आपके भिंड जिले में है। प्रमुख महलों के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। गोजरी महल या दान महल ग्वालियर में स्थित है। गोजरी महल या फिर दान महल आपका ग्वालियर में स्थित है। मानसिंह द्वारा मेघनैनी के लिए बनवाया गया थे। मोती महल आपका ग्वालियर में है। जीवाजी राव सिंधिया का महल है। 1 नवंबर 1956 से पूर्व मध्य भारत का विधानसभा भवन रहा है मोती महल। जयविलास पैलेस ग्वालियर में है। इटालियन शैली पर निर्मित सिंधिया का निवास स्थान तथा वर्तमान में संग्रहालय है। बघेलिन महल मंडला में है। मोती महल के पूर्व में 8 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। मदन महल जबलपुर में है। गोंड राजा मदन शाह द्वारा निर्मित है। खरबूजा महल धार में, धार किले में स्थित है। राजा रोहित का महल रायसेन के दुर्ग में राजा राज बसंती द्वारा निर्मित है। बादल महल, इत्तेदार महल रायसेन किले में स्थित है। फिर आपका हवा महल, ये चंदेरी में स्थित है, अशोकनगर चंदेरी के किले में स्थित है। नौखंडा महल भी आपका चंदेरी में ही स्थित है। सतखंडा महल आपका दतिया में ही स्थित है। राजा अमन का महल अजयगढ़ में है, पन्ना अजयगढ़ द्वारा निर्मित। ठीक है, अजयगढ़ पन्ना में स्थित है। किसने बनवाया था? अजयपाल। जहांगीर महल आपका ओरछा में स्थित है, वीर सिंह द्वारा बनवाया गया था। राज मंदिर आपका ओरछा में वीर सिंह द्वारा बनवाया गया था। असरफी महल ये आपका मांडू धार में है, अफगानी कला में बना हुआ है, कटोरी नुमा बना हुआ है। ठीक है, दाई का महल आपका मांडू धार में है, वर्तमान में महत्वपूर्ण किला कृतियों के का संग्रहालय, कलाकृतियों का। ठीक, रानी रूपमती का महल आपका मांडू में, बाज बहादुर की प्रेयसी रानी रूपमती का महल है। जहाज महल आपका मांडू में है। हिंडोला महल आपका मांडू में है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण आपके महल है, याद रखना है आपको। अब बात करते हैं पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में। पर्यटन स्थल
तो सबसे पहले बात करते हैं पचमढ़ी के बारे में। किसके? पचमढ़ी के बारे में। पचमढ़ी प्रमुख हिल स्टेशन है। पचमढ़ी प्रमुख हिल स्टेशन है। होशंगाबाद जिले में पिपरिया स्टेशन के निकट स्थित है। सबसे पहले आपको याद रखना है पचमढ़ी प्रमुख हिल स्टेशन है, ये आपका होशंगाबाद जिले में पिपरिया स्टेशन के निकट स्थित है। इसकी खोज कैप्टन फोरसोथ ने की थी। यहाँ दर्शनीय स्थल हैं प्रिय दर्शनीय पॉइंट हांडी खोल, ये भी आकार का है, जटाशंकर गुफाएं, अप्सरा विहार, रजत प्रपात, राजगिरी, लांजीगिरी, आइरीन सरोवर, जलावरण, चौरागढ़, धूपगढ़, पांडव गुफाएं, धुआंधार, बी फॉल, भ्रांतनीर, बड़े महादेव, गुप्त महादेव, वीण वादक की गुफा, सरदार गुफा, राज्य की पुलिस प्रशिक्षण शाला, भेड़ाघाट, यहाँ आपके दर्शनीय स्थल हैं। सौंदर्य के कारण ही पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी और मध्य प्रदेश का कश्मीर कहा जाता है। पचमढ़ी को क्या क्या कहते हैं? सतपुड़ा की रानी और मध्य प्रदेश का कश्मीर। बायोस्फीयर रिजर्व विदेश का पहला आपका पचमढ़ी में ही स्थित है। प्रिय दर्शनी पॉइंट परी कैप्टन फारसोथ ने सर्वप्रथम पचमढ़ी की खोज की थी। 1964 में श्रीमती इंदिरा गांधी यहाँ आई और इनके बचपन का नाम पर इस पॉइंट का नाम प्रिय दर्शनी पॉइंट रखा गया। धूपगढ़ को पूर्व में श्री हरवंश कोट भी कहा जाता था। राजेंद्र गिरी प्राचीन नाम पेनोरम, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सम्मान में इसका नाम राजेंद्र गिरी कर दिया गया है। ठीक है, फिर बात करने वाले हम लोग अमरकंठक के बारे में। पुष्पराजगढ़ तहसील अनूपपुर जिले में स्थित है। नर्मदा सोन जोहिला तीन नदियों का उद्गम स्थल है। अमरकंठक से आपकी नर्मदा सोन जोहिला नदियों का उद्गम स्थल है, मतलब यहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं। 2005 में इसे पवित्र नगर घोषित किया गया है। अमरकंठक में आपके दर्शनीय स्थलों की बात करें तो कपिलधारा, दुग्धधारा जलप्रपात, सोनमोड़ा, माई की बगिया, कबीर चौराहा, भृगु कमंडल, पुष्कर बांध, नर्मदा कुंड इत्यादि यहाँ हैं। यहाँ नर्मदा माई के मंदिर में नर्मदा देवी और पार्वती देवी की प्रतिमा भी स्थित है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग खजुराहो। कौन सा? खजुराहो। खजुराहो आपका छतरपुर जिले में स्थित है। कहाँ है? छतरपुर जिले में। चंदेल राजा धंग द्वारा निर्मित मंदिर 11वीं सदी में, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1986 में शामिल किए गए। सबसे पहले आपको याद रखना है कि खजुराहो आपका कहाँ है? छतरपुर जिले में। इसका निर्माण किसने करवाया? धंग राजा चंदेल राजा धंग ने 11वीं सदी में। खजुराहो में दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं आपके? कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी, चित्तगुप्त, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, मांतगेश्वर मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, घंटाई मंदिर, आदिनाथ मंदिर, दूलादेव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, पैनी सागर बांध, स्नेह प्रपात आदि। यहाँ शैव जैव वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर हैं। खजुराहो के मंदिरों को भौगोलिक दृष्टि से तीन भागों में, पश्चिम समूह, पूर्वी समूह और दक्षिण समूह में बांटा गया है। फिर बात करते हैं हम लोग मांडू के बारे में। किसके? मांडू के। मालवा का सौंदर्य स्थल है मांडू को सादियाबाद अर्थात हर्ष नगर के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। मांडू का प्राचीन नाम मंडप द्रोव या मांडवगढ़ था। ठीक है,
मांडू के बारे में और आगे बात करें तो दिलावर खां के पुत्र होसंग शाह ने 1405 में अपनी राजधानी धार से मांडू को बनाया था। 1554 में बाज बहादुर के अधिपत्य में आया, जिसने जहाज महल, हिंडोला महल का निर्माण कराया। दर्शनीय स्थलों की बात करें यहाँ तो मांडू का परकोटा, जिसमें 12 दरवाजे हैं, रामपुर, तारापुर दरवाज़ा, जहांगीर दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा, जहाज महल, हिंडोला महल, जामा मस्जिद, अशरफी महल, होसंग साय का मकबरा, रेवा का कुंड, रोमती मंडो, नीलकंठ महल, हाथी महल, लुहानी गुफाएं, बाज बहादुर। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग सांची के बारे में। सांची रायसेन जिले में सांची नगर भोपाल से 45 किलोमीटर दूर स्थित है। भोपाल से 45 किलोमीटर दूर है, कौन से जिले में? रायसेन जिले में। यहाँ स्थित ईद स्तूप का निर्माण काकडाय या बौद्ध श्री पर्वत, चैत्यगिरी, विदिशगिरी, मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी रानी विदिशा की महादेवी के कहने पर कराया था। स्तूप की संख्या 3 में मोगलयान और सारिपुत्त की अस्थियां रखी हुई हैं। इस स्तूप की रेलिंग सुंग शासकों ने बनवाई थी 1989 में। कब? 1989 में इस स्तूप को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। स्तूप संख्या 1, जिसे महास्तूप या द ग्रेट स्तूप कहा जाता है। कहा जाता है कि अशोक ने सांची सहित कुल 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग विदिशा। किसमें? विदिशा, इसका प्राचीन नाम है भेलसा या बेसनगर। प्राचीन नाम इसका महामालिस्तान या मेवासा है। विदिशा के आपको अन्य नाम याद रखना है, भेलसा या बीसनगर इसे कहते हैं, या इसे महामलिस्तान या मेवासा भी कहते हैं। यूनानी राजा एंटियोकोडस ने अपने दूत हेलियोडोरस को विदिशा भेजा। उसने गरुण अंकित स्तंभ लगवाया, इसे खंबा बाबा भी कहते हैं। दर्शनीय स्थल लोहांगी शिला, गुम्बज, बीज मंडल, सम्राट अशोक सागर, हलाली सागर भी इसे कहते हैं। ठीक, बात करते हैं ग्वालियर के बारे में। इसकी स्थापना आपकी गालव ऋषि के नाम पर की गई। ग्वालियर की स्थापना गालव ऋषि के नाम पर की गई। ग्वालियर में दर्शनीय स्थल है आपके लिए ग्वालियर दुर्ग, लाल बलुए पत्थर द्वारा निर्मित है, गुजरी महल, मान मंदिर, सूरज कुंड, तेली का मंदिर, सास बहू का मंदिर, जयपिलास महल, संग्रहालय, तानसेन की समाधि, मोहम्मद गौस का मकबरा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, कला वीथिका, नगर पालिका संग्रहालय, चिड़ियाघर, दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा, सूर मंदिर। ठीक है, यहाँ सबसे ज़्यादा आपका पूछा जाता है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है, तो आपको याद रखना ग्वालियर। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले एक एग्जाम था आपका, तो पता है उसमें एक लड़की पूछ रही है, वो उसमें आया हुआ था आपका लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है। तो मैंने उससे कई बार पूछा, बोला कि वो आप कहाँ बैठे हो, आप कहाँ बैठे हो, तो उसे समझ में नहीं आया कि ग्वालियर में बैठी हुई, और वो झांसी लगा के आई। बाद में बाहर निकली तो बोलने लगी, तो मैंने बोला कि आपसे इसीलिए तो बोल रहा था कि कहाँ बैठी हुई हो। तो याद रखना है आप, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, जहाँ वो बैठी थी वहीं उस रानी लक्ष्मीबाई की समाधि थी, लेकिन फिर भी गलत हो गया। ठीक है, बात करते हैं हम लोग ओरछा के बारे में। किसके? ओरछा। बेतवा नदी के तट पर स्थित ओरछा की स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेला शासक रुद्र प्रताप ने की थी। ओरछा का शाब्दिक अर्थ होता है गुप्त स्थान। दर्शनीय स्थल आपके यहाँ राजा राम महल, राय पिडवीन महल, चतुर्भुज मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर, हरदौल महल, चंद्रशेखर आज़ाद की साधना स्थली। पता है आपको हरदौल महल यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मुझे जहाँ तक पता है कि बुंदेलखंड में जो भी शादी होती है, तो सबसे पहले जो कार्ड कार्ड छपता है, जो निमंत्रण,
वो सबसे पहले हरदौल के पास जाता है। यहाँ से यहाँ इनकी इतनी मान्यता है, लोग इन्हें मानते हैं। ठीक, आगे हम लोग बात करने वाले हैं इंदौर के बारे में। किसके? इंदौर के बारे में। इंदौर, इंदौर की होलकर छतियाँ, इस स्थान पर 3 छतियों का निर्माण हुआ है। एक कृष्णबाई, मृत्यु हुई थी 1949 में। तुकोजी राव द्वितीय, इनकी मृत्यु 1986। शिवाजी राव, मृत्यु उनकी 1906 में हुई। किस चित्ता स्थल पर बनाई गई है? लाल बाग पैलेस। इंदौर में खान नदी के तट पर होलकर शासकों द्वारा निर्मित कराया गया था। राजवाड़ा, इंदौर के बीचों बीच स्थित राजवाड़ा इंदौर के अतीत के वैभव का प्रतीक है। 19वीं सदी में राजवाड़ा की नींव मल्हार राव होलकर ने रखी। तुकोजी राव प्रथम ने इसका निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। फिर है हमारा कौन सा? शिवपुरी। कौन सा? शिवपुरी ग्वालियर रियासत के सिंधिया राजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी रह चुकी। शिवपुरी आज भी अपने सुंदर राजप्रसादों तथा संगमरमर से निर्मित अलंकृत छत्रियों के द्वारा विगत राजश्री विरासत की याद दिलाती हैं। यहाँ आपके दर्शनीय स्थल हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान, गुलाबी रंग का माधव विलास प्रसाद, जॉर्ज कैसल महल, सांख्या सागर बोट क्लब, भदैया कुंड, वीर तात्या टोपे की विशाल मूर्ति यहाँ के अन्य स्थलीय दर्शनीय स्थल हैं। फिर बात करते हैं भोपाल। 11वीं सदी के भोजपाल तत्पश्चात भोपाल नाम के इस नगर को परमार वंशी राजा भोज ने बसाया था। मध्य प्रदेश की राजधानी है। यहाँ आपके दर्शनीय स्थल हैं ताज उल मस्जिद, जामा मस्जिद, लक्ष्मी नारायण मंदिर, बिड़ला संग्रहालय, शौकत महल, सदर मंजिल, भारत भवन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, राजकीय संग्रहालय, गांधी भवन, वन विहार, बड़ी और छोटी झील, मछली घर इत्यादि दर्शनीय स्थल हैं। बात करते हैं गुफाओं के बारे में। इसके गुफाओं के बारे में गुफाएं, तो सबसे पहले उदयगिरी की गुफाएं। विदिशा स्थित उदयगिरी की में 20 गुफाएं हैं आपकी। गुफा संख्या 1 और 20 आपकी जैन धर्म से संबंधित है। गुफा नंबर 5 वराह अवतार की विशाल प्रतिमा है इसमें। इन गुफाओं का समय गुप्त काल 4वीं से 5वीं शताब्दी का है। गुफा नंबर 1 और 3 की दिशाओं में शैलाकृत और एक दिशा में पिस्तर खंडों से बनी है। स्थानीय लोग इसे सूरज गुफा कहते हैं। गुफा नंबर 19 को अमृत गुफा भी कहा जाता है। इसमें आपको क्या क्या याद रखना कि उदयगिरी की गुफाएं आपकी विदिशा जिले में हैं। गुफा संख्या 1 और 20 जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। गुफा नंबर 5 में वाराह अवतार की विशाल प्रतिमा है। इन गुफाओं का समय काल क्या है? समय गुप्त काल में। ठीक, गुफा संख्या 1 और 3 की विदिशा में की दिशाओं में शैलाकृत और एक दिशा में पिस्तर खंडों से बनी है। स्थानीय लोग इसे सूरज गुफा कहते हैं। गुफा संख्या 19 को अमृत गुफा भी कहते हैं यहाँ। फिर है आपकी भरथरी की गुफाएं। ये आपकी उज्जैन के निकट भरथरी गुफाएं संख्या में संख्या 9 है। इनका निर्माण राजा भरथरी के सम्मान में परमार शासकों ने बनवाया था। रंगीन चित्र इन गुफाओं की विशेषताएं हैं। ठीक, फिर बात करते हैं कौन सी? बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं, बाघ नामक स्थान पर बागनी नदी धार जिले में के समीप विंध्याचल पहाड़ी में बाघ की प्रसिद्ध गुफाएं स्थित है आपकी। इस काल में गुप्तकालीन अर्थात 5वीं शताब्दी में है। इसका काल आपका गुप्तकालीन अर्थात 5वीं शताब्दी में। इनकी तुलना अजंता की गुफाओं से की जाती है।
कुल गुफाएं 9 हैं इसमें, जिनमें से आपकी 4 नष्ट हो चुकी हैं, 5 शेष हैं। गुफा संख्या 2 से 2 में से 2 में 5 बौद्धों की मूर्तियां हैं, जिन्हें स्थानीय लोग 5 पांडव मानते हैं। इन्हें बौद्ध चित्त के प्राण तथा रंगमहल भी कहते हैं। गुफा नंबर 2 का सबसे प्रसिद्ध चित्र पद्मपाणि बुद्ध का है। इस चित्र में बुद्ध के मुख पर सौम्यता है। इन गुफाओं पर की गई चित्रकारी को फ्रेस्को मोरल पेंटिंग कहा जाता है। ये चूने के पलस्तर पर बनी है। इन चित्रों को ग्वालियर के गुजरी महल संग्रहालय और भोपाल के राज्य पुरातत्व संग्रहालय में देखा जा सकता है। ठीक है, बाकी गुफाओं को प्राकृतिक गुफाएं नहीं हैं, बल्कि ये स्थापत्य द्वारा पहाड़ी को काट कर बनाई गई हैं। इसलिए इन गुफा कहने की बजाय रॉक कट आर्किटेक्चर कहना ज़्यादा सही होगा। ठीक है, पांडव गुफाएं। पांडव गुफाएं आपकी पचमढ़ी में स्थित हैं। माना जाता है कि पांडवों ने यहाँ अज्ञातवास बिताया। फिर आपकी बिलोवा गुफाएं। बिलोवा गुफाएं मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में अवस्थित हैं। बिलोवा की गुफाओं में शैलकृत शैव प्रतिमाएं हैं। फिर बात करती है प्रतिमा भीमबेटका गुफाएं। भीमबेटका गुफाएं प्रागैतिहासिक कालीन भीमबेटका शैलाशय है, जिसकी संख्या 500 के आसपास है। भोपाल से 55 किलोमीटर दूर रायसेन जिले में अवस्थित हैं। तो याद रखना है भीमबेटका की गुफाएं आपकी कहाँ हैं, रायसेन जिले में। इसकी खोज आपकी वाकड़कर ने की थी। यह विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है। इन गुफाओं को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में 2003 में शामिल किया गया है। फिर आती हैं आपकी मेघेंद्रनाथ गुफाएं। पाटनी गांव रायसेन में स्थित दुर्लभ रॉक पेंटिंग से युक्त यह गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। इन गुफाओं की खोज 2009 में की गई थी। इन गुफाओं की तुलना भीमबेटका गुफा से की जाती है। ठीक है, फिर आपकी शंकराचार्य की गुफाएं, ये आपकी ओकारेश्वर खंडमा में अवस्थित हैं। आदमगढ़ के शैलाशय, ये आपके होशंगाबाद नगर के निकट हैं। मारा की गुफाएं, ये आपकी सिंगरौली जिले में स्थित बौद्धकालीन गुफाएं, भीति चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, मारा की गुफाएं आपकी सिंगरौली में स्थित हैं। अब बात करते हैं धार्मिक स्थलों के बारे में। धार्मिक स्थल गुम्मटगिरी, कौन सा गुम्मटगिरी, इंदौर में स्थित प्रसिद्ध जैन तीर्थ। भगवान बाहुबली की 27 फीट ऊंची खड़गासन प्रतिमा अवस्थित है गुम्मटगिरी में। मुक्तागिरी बैतूल जिले में स्थित प्रसिद्ध दिगंबर जैन तीर्थ स्थल है आपका ये। सोनागिरी दतिया जिले में सोनागिरी प्रसिद्ध दिगंबर जैन तीर्थ है। पुष्पगिरी सोनकक्ष में स्थित जैन तीर्थ स्थल है आपका। पीताम्बरा पीठ दतिया में स्थित माँ बगुलामुखी पीताम्बरा पीठ हिंदुओं का प्रसिद्ध तांत्रिक धार्मिक स्थल व शक्ति पीठ है। दादाजी दरबार खंडवा में स्थित दादाजी दरबार महान संत धुनी वाले दादाजी की समाधि स्थल है। ठीक है, फिर आपका बावन गजा। बड़वानी जिले में बावन गजा पहाड़ी पर भगवान आदिनाथ की 72 फीट ऊंची प्रतिमा सेवन बेल गोला की बाद दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। फिर आपका नेमावर, ये आपका नर्मदा तट देवास जिले में अवस्थित है। नेमावर हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। रोडिजा बड़नगर स्थित रोडिजा तेजाजी महाराज से संबंधित पवित्र स्थान है। ओंकारेश्वर ओम आरती वाले इस स्थान में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग आपका स्थित है। नर्मदा तवा के संगम पर ओंकार मंदाता मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह मंदिर मध्यकालीन ब्राह्मण शैली में बनाया, 2005 में पवित्र नगर घोषित किया गया। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को महामम्लेश्वर अम्लेश्वर भी कहते हैं। यहाँ पर महादेव का मंदिर स्थित है। आदि शंकराचार्य की गुफाएं भी हैं। ओंकारेश्वर का मंदिर यहाँ दर्शनीय स्थल है। ओंकारेश्वर प्राचीन नाम है मंदाता।
ओमकारेश्वर में नर्मदा घाट, सिद्धनाथ मंदिर, मार्कंडेय आश्रम, ममलेश्वर महादेव सप्तमात मंदिर, काजल रानी की गुफाएं सहित अन्य दर्शनीय स्थल हैं। फिर है आपका क्या है, भोजपुर। भोपाल के निकट स्थित भोजपुर अपने विशाल शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना राजा भोज ने की थी। यह विश्व का सबसे विशाल शिवलिंग है। इस मंदिर के पास ही जैन मंदिर स्थित है आपका। नोहटा। नोहटा दमोह में अवस्थित नोहटा कभी चंदेलों की राजधानी था। अब यह शिव मंदिर और जैन मंदिर के अवशेषों के लिए विख्यात है। फिर है आपका मंदसौर। यह भारत का प्राचीनतम पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। कहाँ? मंदसौर में। यह एक पशुपतिनाथ मंदिर धुरैल पहाड़ी बेवापुरा में स्थित है। इसके अलावा प्रसिद्ध सूर्य मंदिर भी आपका स्थित है। चित्रकूट, ये आपका सतना जिले में है। याद रखना चित्रकूट का कुछ हिस्सा आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कुछ है मध्य प्रदेश में। सामान्य ज्ञान के लिए जरूरी है कि ऐसा कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, तो आपको याद रखना है चित्रकूट। ब्रह्मा विष्णु व महेश ने यहीं पर बाल अवतार लिए थे। वनवास के समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम यहीं पर महर्षि अत्रि और सती अनसुईया के अतिथि बने थे। कादमगिरी, अनुसरिया आश्रम, हनुमान धारा, जानकी कुंड, स्फटिक शिला, भारतकूप यहीं स्थित है। 2005 में पवित्र नगर घोषित किया गया इसे चित्रकूट को। गुप्त गोदावरी नदी भी आपकी यहीं स्थित है। यहाँ गधों का मेला लगता है चित्रकूट में, ठीक है। उज्जैन। उज्जैन आपका छिप्रा नदी के तट पर अवस्थित है। महाकालेश्वर मंदिर, जंतर मंतर, संदीपनी आश्रम, मंगलनाथ मंदिर, भरथरी गुफाएं, यहाँ पर 12 वर्षों बाद कुंभ का मेला भी लगता है। कहाँ आपका? उज्जैन में, ठीक है। 2005 में पवित्र नगर घोषित किया गया उज्जैन को। छिप्रा के किनारे महाकाल का एकमात्र दक्षिणमुखी मंदिर, यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। उज्जैन में देव प्रबोधिनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक गधों का मेला भी लगता है। हर सिद्धि देव मंदिर, संतोषी माता मंदिर, बड़े गणेश जी मंदिर, 24 खंबा मंदिर, गोपाल मंदिर, गढ़ी कालिका देवी, काल भैरव, कालिका देह महल आदि धार्मिक स्थान आपके उज्जैन में है। फिर है आपका भेड़ाघाट। क्या है? भेड़ाघाट, ये आपका जबलपुर में स्थित है। भृगु ऋषि ने यहीं तपस्या की थी। बंदर कूदनी और 64 युगनी शिव पार्वती मंदिर, जिसमें शिव पार्वती नंदी पर आसीन है, यहीं आपका स्थित है। फिर आपका महेश्वर। महेश्वर में भवानी माता का मंदिर, अहिलेश्वर शिवालय, राजबाड़ा, विट्ठा जी की छत्री, राजेश्वर शिवालय, कालेश्वर, जालेश्वर, बालेश्वर, पंडरीनाथ, काशी विश्वनाथ, मातंगेश्वर शिवालय आदि दर्शनीय स्थल हैं आपके यहाँ। मेहर, सतना से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित माँ शारदा के भव्य मंदिर के कारण साल भर तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है मेहर, ठीक है। यहाँ पन्ना, फिर भगवान प्राणनाथ की नगरी पन्ना को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। अब आपके कुछ प्रमुख मकबरे हैं और समाधियाँ, क्या हैं? मकबरे हैं और प्रमुख समाधियाँ, उनके बारे में जान लेते हैं। ये आपकी मकबरा हो गए, समाधि और स्थान। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। किसने बनवाया था? अकबर ने। मोहम्मद गौस का मकबरा, ये भी आपका ग्वालियर में है। बीजू बाबरा की समाधि चंदेरी अशोक नगर में है। होसंग शाह का मकबरा मांडूधार में है आपका। ये पेशवा बाजीराव की समाधि रावरखेड़ी खरगोन में है। मतेंद्र पीर की समाधि आपकी उज्जैन में है। महारानी सांख्या
सांख्य राजे की समाधि ये आपकी शिवपुरी में है। रानी दुर्गावती की समाधि बरेला जबलपुर में है। झांसी की रानी की समाधि ग्वालियर में है। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा ये आपका भोपाल में है। रानी अवंती बाई की समाधि मंडला में है आपकी। झलकारी बाई की समाधि ग्वालियर में है। गिरधारी बाई की समाधि मंडला में है। अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा धार में है। तत्या टोपे की समाधि शिवपुरी से जाधव सागर के निकट है। माधवराव सिंधिया की समाधि आपकी शिवपुरी में है। पीर बुधान का मकबरा ये आपका सावरा क्षेत्र शिवपुरी में है। बाज बहादुर व रानी रूपमती का मकबरा ये सारंगपुर राजगढ़ में है। बाल जति शाह एवं मस्ताना अली शाह की मजारें धमोनी सागर में है। कान्हा बाबा की समाधि आपकी होशंगाबाद में है। मुमताज महल की कब्र आपकी बुरहानपुर में है। हजरत शाह वजीहुद्दीन का मकबरा चंदेरी में है। ख्वाजा मखदूम शाह विलायत के नाम से प्रसिद्ध हैं, ठीक है। दौलत खां लोधी का मकबरा बुरहानपुर में है। मल्हार राव होलकर की समाधि आलमपुर भिंड में, ठीक है। आगे कुछ हम लोग देखते हैं पुरातात्विक स्थल मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थल आदमगढ़ की विश्व विख्यात चित्तशैलाकृत गुफाएं हैं। यहाँ भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा यहीं पर आरवी जोशी द्वारा तथा एमडी खरे के निर्देशन में 1960-61 में उत्खनन कराया गया। यहाँ से मध्य पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्खनन से यहाँ पर पूर्व पाषाण युगीन औजार हस्तकुठार विदारणी अंडिल चक्की उपकरण खोरची आदि हमें प्राप्त मिले, ठीक है। फिर आपका कसरावध के बारे में याद रखिए कि पश्चिमी निवाड़ जिले में कसरावध नगर के दक्षिण में नर्मदा नदी के तट पर स्थित दूतवड़ी नामक टीला है। यहाँ उत्खनन से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। उत्खनन में बौद्ध स्तूप निवास गृह मृदभांड के अवशेष प्राप्त हुए। रहे आपका इंदगढ़ मंदसौर जिले में स्थित महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। इस स्थान से राष्ट्रकूट शासक नक्षत्र के शासन के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें शिव मंदिर का निर्माण का उल्लेख है। नवदा टोली खरगोन के महेश्वर में नवदा टोली स्थान से ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आगे है आपका पावाया का प्राचीन नाम पद्मावती था। ग्वालियर से 40 मील दूर स्थित सिंधु तथा पार्वती नदी के संगम पर स्थित इस स्थल से विष्णु प्रतिमा सूर्यस्तंभ यक्ष मणिभद्र की प्रतिमा प्राप्त हुई। फिर आपका कायथा कालीसिंध नदी के किनारे उज्जैन स्थित ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के प्रमाण प्राप्ति का मुख्य स्थल है। यह सिंधु सभ्यता का भाग भी है। उत्खनन भी वाकणकर ने शुरू किया था। फिर आपका नांगदा उज्जैन के निकट चंबल नदी के किनारे बसे इस स्थल को ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हैं। उत्खनन इसका एसआर बनर्जी ने 1955-56 में करवाया था। फिर आपका ग्यारसपुर सांची से लगभग 56 किलोमीटर दूरी पर ग्यारसपुर पुरातात्विक स्थल है। यहाँ पर खंबा ब्रजमठ मलोवी मंदिर बौद्ध स्तूप हिंडोला तोरण प्रसिद्ध स्मारक है। एरन सागर जिले के एरन से ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के साथ ही भारत में सती प्रथा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, याद रखना। नोट जटकरा खजुराहो खलघाट धार पोतनगर खरगोन निन्नौर गांव सेहोर जूना एयरवास तादौल उज्जैन खेड़ीनामा होशंगाबाद भीमबेटका रायसेन तीर्थर रीवा पिपरिया सतना बिलावली देवास मनोटी मोड़ी मंदसौर आदि प्रमुख पुरातात्विक स्थल हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। क्या है महत्वपूर्ण बिंदु? मध्य प्रदेश में पर्यटन
स्थलों का विकास करने की दृष्टि से वर्ष 1978 में राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई। असीढ़गढ़ का किला पूर्व में खंडवा जिले में आता था। लेकिन बुरहानपुर अलग जिला बनने से अब यह जिला बुरहानपुर में आने लगा है। असीढ़गढ़ का किला अकबर की विजय अभियान का अंतिम विजय अभियान था। सोनगिरी के जैन मंदिर जैनों के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। इन मंदिरों की संख्या लगभग 108 है तथा ये मध्य प्रदेश के दतिया में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित हैं। फिर आपका तिगवा मंदिर जबलपुर, भूमरा का शिव मंदिर सतना, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, पन्ना तथा खोए मंदिर सतना में है। इसके अलावा उदयगिरी की गुफाएं व बाकी गुप्तकालीन स्थापत्य कला के नमूने भी यहाँ हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सिंधिया वंश के दो व्यक्ति महारानी सांख्यराज सिंधिया और महाराजा माधवराव सिंधिया की समाधियां बनी हुई हैं। ओंकारेश्वर भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां दो शिवलिंग को संयुक्त रूप से एक ज्योतिर्लिंग का नाम दिया गया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में प्रसिद्ध पशुपति नाथ का मंदिर बना है। यह मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू के मंदिरों की आपत्ति पर बना है जो शैव धर्मावलंबियों के लिए आकर्षण का केंद्र भी है। जबलपुर में रूपनाथ रमणीय स्थल। प्राचीन समय में यह एक तीर्थ स्थल था जहाँ राम लक्ष्मण सीता के नाम तीन सरोवर थे। होशंगाबाद के पास आदमगढ़ पुरास्थल पर उत्खननकार भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा श्री आर वी जोशी तथा श्री एम डी खरे के निर्देशन में 1961-62 में प्रारंभ कराया गया, जबकि डॉक्टर एच बी त्रिवेदी के निर्देशन में आवरा का उत्खनन मंदसौर में कराया हुआ। वर्तमान महेश्वर का नाम से जाने वाला महेशमती चैदी जनपद की राजधानी रही है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित हथनौरा एक पुरातात्विक भूभाग है। पुरातात्विक खुदाई के फलस्वरूप यहाँ से मानव खोपड़ी का कंगाल प्राप्त हुआ जो पूरा पाषाण काल की सूचना देता है। उज्जैन के उत्तर पूर्व दिशा में 3 मील की दूरी पर स्थित बेस टेकरी नामक टीला है। इस टीले के उत्खनन में एक विशाल स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए जिसका निर्माण एक वैश्या पुत्री सहिदिता द्वारा अशोक के शासनकाल में कराया गया था। दतिया में 17 किलोमीटर दतिया से 17 किलोमीटर दूर स्थित उन्नाव में स्थित बालाश्री का नामक स्थान है। बालाजी का जो प्राचीन काल से ही बालाजी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भगवान भास्कर का विशाल मंदिर है जो पुष्पा वली नदी के तट पर बसा है। नर्मदा नदी के किनारे मंडला जिले में परशुराम ने अपना आश्रम बनाया था। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के ग्राम भैंसदेही में प्राचीन से मंदिर जो 13वीं सदी 14वीं सदी में का है। कन्हरगढ़ का दुर्ग दतिया जिले में सिंधु नदी के तट पर बना है। इसको सेवड़ा के महाराजा पृथ्वी सिंह ने बनवाया था। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में को प्रदेश की पहली पर्यटक नगरी होने का गौरव प्राप्त है। शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान भी आपका है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी पर बंदर कूदनी नामक एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है जो जबलपुर के निकट भेड़ाघाट में स्थित है। यहाँ पर नर्मदा नदी ऊंची पहाड़ियों के मध्य एक सक्रिय धारा के रूप में बहती है। सिंधिया राजवंश की राजधानी रही ग्वालियर नगरी की स्थापना सिंधिया शासक महादजी सिंधिया ने की थी। होलकर राजवंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर ने इंदौर का नाम मल्हार नगरी रखा था। खान नदी के तट पर स्थित लालबाग पैलेस का निर्माण कर होलकर शासक तुकोजी राव होलकर द्वितीय ने 18वीं सदी में मिस्टर हार्वे के सहयोग से शुरू कराया था, जिसे 1921 में तुकोजी तृतीय ने पूर्ण करवाया। मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में गणपति की विशाल प्रतिमा है जो बड़ा गणपति के नाम से प्रसिद्ध है। 25 फीट ऊंची यह प्रतिमा विश्व की सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा मानी जाती है। मंदिरों के शहर के नाम से जाने जाने वाले शहर उज्जैन में गोपाल मंदिर महाकाल मंदिर के बाद दूसरा प्रसिद्ध मंदिर है।
इस मंदिर का निर्माण महाराजा दौलतराव सिंधिया की महारानी वायजाबाई सिंधे ने कराया था। भोपाल की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण 1837 में कुदूसिया बेगम ने कराया था। यह मस्जिद दिल्ली के जामा मस्जिद के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। मांडू में दिल्ली दरवाजा स्थित है। यह मांडू का मुख्य दरवाजा है। माना जाता है कि मुगल शासक अकबर ने इस दरवाजे में से मांडू में प्रवेश किया था। फिर आपका नेमावर को मध्य प्रदेश शासन ने पर्यटक स्थल घोषित किया है। नेमावर नर्मदा का नाभि स्थल है। यहाँ पर सिद्धनाथ भैरव घाट तथा नागर घाट प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल परिसर स्थित नाग चंद्रशेखर मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें पट साल में एक बार सिर्फ जिसके पट साल में एक बार सिर्फ 24 घंटे के लिए नाग पंचमी के अवसर पर खुलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 27वां चैप्टर पर्यटन एवं पुरातात्विक स्थल। आगे हम लोग बात करेंगे ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है।